अमरनाथ यात्रा में हुआ भीषण आतंकी हमला, 7 की मौत। वलसाड़ पहाड़ी वटार के श्रद्धालु भी हुए आतंकी हमले के शिकार। सावन के पहले सोमवार को अमरनाथ यात्रा में निकले श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृत व्यक्तियों में वलसाड़ पहाड़ी और वटार के श्रद्धालु भी शामिल है। इस आतंकी हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आतंकवादी हमले से नहीं झुकेगा। इस हमले की हर एक को निंदा करनी चाहिए। दमन दीव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने इस हमले की जमकर निंदा की, पर उन्होंने इस हमले को कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही बताई और प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया। इसके पश्चात केतन पटेल ने मृत यात्रियों को शहीद का दर्जा दिया। दूसरी ओर दमन दीव के सांसद लालू पटेल ने भी मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और इस हमले की जमकर निंदा की। धीरे धीरे बोलो। हमारा घर से 4 जन गए थे बडोली से, तो उसमें बडोली से 4 जन गए थे तो हमारा रतिलाल काका को गोली लगी और मेरी चाची को भी लगी गोली। और हम लोग को ऐसा मालूम हुआ कि ये उधर से फोन आके थोड़ा बात हुआ तो दोनों को गोली लगी, ऐसा हमारा चाचा एक्सपायर हो गया ऐसा मालूम। बहुत ही दुखद घटना है और ये जो वडोली गांव है वो हमारे वलसाड़ जिला में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है और दमन से सटा हुआ गांव है। और ये जो घटना घटी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम टाउन की घटना है, तो मुझे लगता है अभी इस मुद्दे को सीरियस लेना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा होती है, ऐसे जम्मू की कोई भी यात्रा होती है, तो जो भी बस है जो भी व्हीकल है उनको पुलिस कॉन्वॉय में ले जाया जाता है, उनको पायलट एस्कॉर्ट दिया जाता है, तो इस बस को क्यों नहीं दिया गया, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा ये कहना है इस मामले पर प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए। ऐसे तो हम मन की बात में रेडियो पे उनको देखते रहते, तो अभी सामने क्यों नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम हमारा फेलियर है। आपके सामने है ये जो हमारे पीछे जो परिवार है, वो परिवार के एक माँ और एक उनका पिता एक आज शहीद हुआ है, हम तो शहीद ही मानेंगे उनको। मैंने एकदम बहुत बड़ी नजर करी थी आज घटना से, हमारा माने हमारे परिजनों ने भगवान को सत्या दे, हमने हमारा कर्तव्य विधि से मत से हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदित्य नरेंद्र मोदी आज जैसे हमारी सरकार व्यक्ति जब घर सीट पर बैठा त्यारे आंदोलन ने हमें सापेक्ष बताया है लड़ाई में, मैं घनी मेहनत करें परिणाम सारू से हमारे दर आंतकवादी खत्म करीशूँ और भी सेवक को करना नहीं करता। हमें आतंकवादी